तो दोस्तों आज हो गया है 16 मार्च और 16 मार्च की जितनी महत्वपूर्ण ताज़ा बड़ी खबरें होंगी फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी CAA और NRC का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। राजनाथ सिंह ने कपिल मिश्रा को दी क्लीन चिट, TV शो में बोले कपिल मिश्रा ने क्या गलत कहा। भाई मैं आपको बता दूं, भड़काऊ भाषण देकर दिल्ली में हिंसा भड़काने का गंभीर आरोप झेल रहे भाजपा नेता कपिल मिश्रा को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का साथ मिला है। राजनाथ सिंह ने कपिल मिश्रा को क्लीन चिट देते हुए एक TV शो के दौरान कहा कि कपिल मिश्रा ने क्या गलत कहा है। कपिल मिश्रा के सड़क पर उतरने वाले बयान का बचाव करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सड़क पर उतरने का मतलब धरना प्रदर्शन करना है। भाई मैं आपको बता दूं, दरअसल राजनाथ सिंह ने इंडिया TV के एक शो में शिरकत की जिसमें एंकर ने दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा के बयान का जिक्र किया और कहा कि मुस्लिमों का कहना है कि कपिल मिश्रा के बयान से झगड़े की शुरुआत हुई। वहीं आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि कपिल मिश्रा के बयान की रिकॉर्डिंग सुनाने की एंकर से मांग की, जिसके बाद कपिल मिश्रा के उस बयान को दिखाया गया जिसमें कपिल मिश्रा सड़क पर उतरने की बात पुलिस से कहते दिखाई दे रहे थे। वहीं वीडियो देखने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने क्या गलत कहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि कपिल मिश्रा ने पुलिस से ये कहा है कि रास्ते खाली करा देना, वरना उसके लिए धरने प्रदर्शन करने होंगे। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है। सड़क पर उतरने का मतलब धरने प्रदर्शन से ही है। भाई मैं आपको बता दूं, बीते दिनों उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में करीब 53 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग भी उठी, लेकिन अभी तक कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी अगली खबर की ओर हुई है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। UP राज्यपाल ने सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान की भरपाई वाले कानून की मंजूरी दे दी है। वहीं मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को UP रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी कानून 2020 को मंजूरी दे दी है। इस कानून में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल व बंद के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से वसूली के लिए बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए योगी सरकार ने राज्य के रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी। इसके फैसले को किसी भी अन्य अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल को आरोपी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी होगा। साथ ही वह अधिकारियों को आरोपी का नाम, पता व फोटोग्राफ प्रचारित प्रसारित करने का आदेश दे सकेगा। आम लोग उसकी संपत्ति की खरीदारी ना करें। इस कानून के मुताबिक ट्रिब्यूनल में अध्यक्षता के अलावा एक सदस्य भी होगा, ये सहायक आयुक्त स्तर का अधिकारी होगा। भाई मैं आपको बता दूं, क्लेम कमिश्नर की मदद के लिए प्रत्येक जिले में एक एक सर्वाइवर भी नियुक्त किया जाएगा, जो नुकसान के आकलन में तकनीकी विशेषज्ञ की भूमिका निभाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं, ट्रिब्यूनल को दीवानी न्यायालय का पूरा अधिकार होगा। ये भू राजस्व की तरह क्लेम वसूली का आदेश दे सकेगा। सरकार की माने तो इस कानून को इसलिए बनाया गया है कि उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से हिंसा हुई और उसमें निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी वसूली को लेकर ये कानून उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बनाया है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा जल्द होगा बहाल, वहीं सभी नज़रबंद नेताओं को किया जाएगा जल्द ही रिहा। वहीं मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद वहां के राज्य के विशेष दर्जे को ख़त्म कर दिया गया। वहां पर विधानसभा चुनाव भी नहीं होंगे, ऐसा फैसला मोदी सरकार ने लिया था और 2 प्रदेश केंद्र शासित बनाए थे, जिसके बाद वहाँ के नेताओं को भी मोदी सरकार ने नज़रबंद कर दिया था, जिसके बाद 7 महीने बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को अभी रिहा किया गया। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल कर दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर को फिर से प्रदेश बना दिया जाएगा और वहां पर विधानसभा चुनाव भी होंगे और वहां पर मुख्यमंत्री भी चुना जाएगा, क्योंकि लगातार इंटरनेशनल लेवल पर
मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठानी पड़ रही थी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान और कई मुस्लिम देशों ने जम्मू कश्मीर की आवाज़ को उठाया इंटरनेशनल लेवल पर, जिसके बाद अब मोदी सरकार पीछे हटी और मोदी सरकार ने साफ कह दिया है कि जल्द ही अब जम्मू कश्मीर से राज्य का विशेष दर्जा वापस कर दिया जाएगा और वहां पर जो है उसे फिर से राज्य घोषित कर दिया जाएगा और विधानसभा चुनाव भी होंगे और मुख्यमंत्री भी वहां चुना जाएगा। अगली खबर की ओर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 16 एमएलओ ने स्पीकर को लिखा खत, बोले बहुमत साबित करने नहीं आ सकते। वहीं मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में मौजूद कांग्रेस के 16 बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखा है। खत में उन्होंने बताया है कि सोमवार को होने वाले बहुमत साबित के दौरान वह उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने 6 मंत्रियों का उदाहरण देते हुए अपना इस्तीफा स्वीकार करने का भी अनुरोध जो है किया है। वहीं बहुमत साबित करने से पहले कमलनाथ सरकार का दाव, विधायकों का हुआ कोरोना टेस्ट। वहीं मैं आपको बता दूं, देश में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान में कमलनाथ सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है, लेकिन इससे पहले भोपाल लौटे सभी विधायकों को पहले कोरोना वायरस का टेस्ट कराया गया। कोरोना वायरस का टेस्ट कराने वाली टीम को 2 कांग्रेस विधायकों का कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दिए। अब ऐसे में कल कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा में अपना बहुमत साबित करना है। अब देखते हैं कि वो 2 विधायक जिनको कोरोना वायरस के लक्षण हैं, क्या वो जाते हैं या नहीं। भाई मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की गई है कि हमारे विधायकों को जयपुर से लाया जाए, उनका चिकित्सा परीक्षण किया जाए। अब देखते हैं कल कांग्रेस या बीजेपी अपना बहुमत साबित करती है और कल मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। अगली खबर की ओर बात करते हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने बनाई नई पार्टी, बसपा के कई नेता हुए शामिल। वहीं मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। नोएडा में उन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी का नाम आज़ाद समाज पार्टी ASP रखा है। सेक्टर 70 स्थित बसई गांव में संविधान की शपथ लेकर उन्होंने पार्टी की घोषणा की है। इस दौरान बसपा के कई नेता आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। चंद्रशेखर की पार्टी के झंडे का रंग नीला रखा गया है। मायावती की पार्टी के झंडे का रंग भी नीला है। पार्टी का नाम की घोषणा के समय बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। ये भी बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सदस्यता ग्रहण करने के लिए 28 पूर्व विधायक और 6 पूर्व सांसद भी पहुंचे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की आज जयंती है और वह 90 के दशक में देश में दलितों के प्रमुख नेता और चेहरे रहे। चंद्रशेखर ने पहले ही ऐलान किया था कि वे काशीराम की जयंती पर अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। अगली खबर की ओर बात करते हैं। कोरोना के खिलाफ सार्क देशों को साथ लाए पीएम मोदी, इमरजेंसी फंड के लिए $10 मिलियन देने का ऐलान। वही मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में फैलाव को देखते हुए सार्क देश के राष्ट्र प्रमुखों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से मिलकर लड़ना होगा, इससे सावधान रहने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। पीएम ने कहा कि 1400 भारतीयों को दूसरे देशों से भारत लाया गया, विदेशों में भी भारतीयों को लैब के जरिए जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनवरी से एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग जारी है। वहीं कोरोना पर पीएम ने कहा कि कोरोना को महामारी घोषित किया गया है। पीएम ने कहा कि सार्क देशों में कोरोना के 1500 मामले सामने आए हैं, एक दूसरे की मदद से कोरोना से लड़ने में आसानी होगी। पीएम ने कहा कि कोरोना के बचाव के लिए $10 मिलियन का फंड बनेगा और उपकरण खरीदे जाएंगे। पीएम ने यह भी कहा है कि कोरोना से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं सार्क देशों के प्रमुखों ने कोरोना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। सार्क देशों की कॉन्फ्रेंस में
पाक पीएम इमरान खान की जगह पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने कहा कि सार्क देशों को कोरोना से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।